गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. वी विल डिस्कस दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स, कि हाउ क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड and with the chromosomes the genes are separated with independent assortments, ki without dependent, ki with the bina ek dusre ke upar depend hue jo chromosomes hain wo separate hote hain. So in this law we have discussed that, ki we know during the anaphase we are talking about the meiosis first. इन एनाफेज की जो दो पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो अलाइन हो जाते, जुड़ जाते हैं टिल मेटाफेज की जो कॉपी बनती है, डबलेट कॉपी ऑफ द डीएनए, उसमें जो क्रोमोसोम्स के दो पेयर हैं वो अलाइन हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे. सो यहाँ हम इनको डिनोट करने के लिए डिनोटेड बाय फोर डिफरेंट कलर्स. फर्स्ट द रेड वन, नेक्स्ट वन दिस इज द सेंट्रोमियर, दीज आर द क्रोमेटिड्स, दे हैव जीन्स. देखो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि दोनों अलग अलग भी सेपरेट हो सकते हैं, दोनों ब्लेंडेड होके आपस में रिकम्बाइन होके भी सेपरेट हो सकते हैं. तो यह हम दो केस लेके चलेंगे. इन द पॉसिबिलिटी फर्स्ट, इन फर्स्ट पॉसिबिलिटी इट मे बी कि जब मियोसिस सेकंड होगा तो उस केस में क्या होगा कि दोनों सेपरेट हो जाएंगे. पहले ये दोनों एक साथ हैं, एक साथ कंबाइन है, लेकिन अब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि जब सेल साइकिल एंड की तरफ होता है तो वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स डबल हुए हैं वो हाफ क्रोमोसोम एट ईच पोल एंड हाफ क्रोमोसोम्स ऑन अनदर पोल, कि हाफ हाफ क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वहाँ पे जो स्पिंडल्स बनते हैं उनकी वजह से. Now these are segregating, this one and this one. In next case these are also separated. And the genes now we know when the formation of germ cell a single cell produce four haploid germ cells. तो four haploid में क्या होगा कि ये सारी divides हो जाएंगी separately this one here.
and these two one into half of. Sorry, I have the argument blue color. This one with red, blue. सो यहाँ बेसिकली क्या है कि जब पॉसिबिलिटी फर्स्ट में क्या हुआ कि जब मियोसिस फर्स्ट था एनाफेज के अंदर, तो वहाँ पे जो डबलेट पेयर्स हैं, एक साथ जो क्रोमोसोम के दो पेयर हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं, जब मियोसिस सेकेंड में आएंगे तो दे बिकम सेपरेटेड, क्योंकि मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होगा, क्रोमोसोम्स नंबर बिकम हाफ. कि हाफ होने के बाद क्या होगा कि जब जर्म सेल्स बनेंगी तो ईच आर सेपरेटेड इंटू फोर हैप्लोइड सेल्स, कि एक के अंदर जो क्रोमोसोम डबल हुआ था वो फोर के अंदर डिवाइड हो जाता है. ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है. सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या है, क्योंकि ये पैटर्न फिक्स नहीं है, सेकंड पॉसिबिलिटी में एज इट इज रहेगा, लेकिन देर इज ए माइनर डिफरेंस कि हो सकता है कि फर्स्ट वाले में जो हमने ब्लू से डिनोट किया था रेड वाले के साथ, अब वो हम रेड से ही करेंगे सेपरेटली शो करने के लिए. एंड सेम हियर the next pair of chromosomes. They are in a single case. अभी सारे एक साथ हैं, वही सेम meiosis second anaphase. तो they are separated by intermixing. कि यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगा, कि यहाँ ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे. यहाँ पे दोनों पेयर एक साथ थे, जब मियोसिस सेकेंड एनाफेज में आएंगे तो दोनों पेयर्स अलग अलग हो जाएंगे. वही सेम जर्म सेल्स बनेंगी. फोर थ्री और टू हियर, कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखो दो टाइप की पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ पे इस वाले क्रोमोसोम के साथ ये जीन्स अटैच हो रखी हैं, इस वाले में दे आर सिमिलर, दे मे बी होमोलोगस और हेयर दे आर
हिट्रोजाइगस, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। एज इट इज सेपरेशन भी वैसे ही होगा, यहाँ पे जो है कि जो रेड वन है जो होमोलोगस दे आर सेपरेटली इन दिस वे, तो दीज आर द टू पॉसिबिलिटी मीन्स मेन यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी तरह से भी हो सके, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ये इस तरह से भी सेपरेट हो सकते हैं। तो दिस इज अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस डायग्राम इन योर बुक एट पेज नंबर 82 फिगर 5.9, इसको वहाँ पे कलर्स ब्राउन और येलो से शो किया गया है विद द ब्लू एंड रेड, सॉरी ग्रीन और रेड। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड या दिस इज अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम पैरेललिज्म बिटवीन मेंडलिज्म एंड फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम्स, कि मेंडलिज्म के फैक्टर्स में और क्रोमोसोम्स में क्या कॉमन है। कि मेंडल ने जो फैक्टर्स के बारे में बताया था कि दे आर सम फैक्टर्स इज कंट्रोल इन हेरिडिटी, सेटन एंड बोवरी ने वो क्रोमोसोम्स के बिहाव पे दिया था, तो इन दोनों के बीच में क्या क्या कॉमन चेंज है, वर इज द कॉमन फैक्टर्स। सो फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज दैट क्रोमोसोम आर इन पेयर, वो पेयर में होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं एंड दीज पेयर्स में भी होमोलोगस। ऑन अदर हैंड वी सी दैट द मेंडल फैक्टर्स विज रेड पेन ही सेड फैक्टर्स इन पेयर्स, सो बोथ द क्रोमोसोम्स एंड द फैक्टर्स आर इन पेयर। तो ये पैरेललिज्म है कि दोनों ने सिर्फ ये कहा कि पेयर्ड है। सेकेंड कंडीशन, इफ वी सी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर द होमोलोगस क्रोमोसोम डिवाइड्स, वो डिवाइड होते हैं इन मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस में तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईच गैमिट रिसीव वन क्रोमोसोम, वी कैन से हाफ क्रोमोसोम, कि जो एक गैमिट है मियोसिस बनने के बाद उसमें वन क्रोमोसोम होगा, जो होमोलोगस पेयर है उसका हाफ होगा यानी सिंगल। ऑन अदर हैंड मेंडल ने भी यही कहा था कि पेयर फैक्टर्स, कि जो उसके पेयर फैक्टर हैं आर सेग्रीगेट, कि वो सेग्रीगेट होते हैं, अलग हो जाते हैं, उनमें डिवीजन होता है। द फैक्टर्स जो पेयर हैं वो डिवाइड इनटू हाफ एंड हाफ पोर्शन। सो नाउ दिस इज द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज द मेंडल्स लॉ ऑफ पेयर फैक्टर्स, कि वो पेयर में प्रेजेंट होंगे, यहाँ जो है गैमिट फॉर्मेशन में हाफ हो जाएंगे। सो थर्ड वन इज कि जो पेयर फैक्टर हैं
segregate, इंडिपेंडेंट कि जो होमो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं होमोलोगस जो पेयर हैं वो सेग्रीगेट होंगे इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ एवरी पेयर कि वो डिपेंड नहीं होंगे. ऑन अदर हैंड मेंडल्स ने ये कहा था कि द ईच पेयर अशोर्ड इंडिपेंडेंट अशोर्टेड कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इंडिविजुअल होगा तो इंडिपेंडेंटली अशोर्ड वाइट. नेक्स्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पैलेरिज्म इज दैट कि ड्यूरिंग आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट फॉर्म द जाइगोट स्टोर्स द होमोलोगस और द क्रोमोसोम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स अगेन रिकम्बाइन इन ए पेयर कि जो दो क्रोमोसोम्स में हाफ जो गैमेट्स बने हैं एन प्लस एन इजकल टू एन. मेंडल ने भी यही कहा था कि पैटर्नल प्लस मैटर्नल कि फादर एंड मदर कैरेक्टर्स मिक्स अप इन प्रोजेनी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वो मिक्स हो जाते हैं. यहाँ भी सेम है कि हैप्लोइड सेल एंड हैप्लोइड सेल बिकम्स टू एन कि जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में रिस्टोर हो जाते हैं. तो दीज आर द सम कॉमन फैक्टर्स बिटवीन मेंडलिज्म एंड द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम्स और द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. ऑन द बिहाफ ऑफ दीज ऑल स्टडी वी आर postulate the Seton and Bowrey postulate the chromosome theory of inheritance. The chromosomal theory of inheritance. The first key point of the theory is that male and female parents pass on to the young one only a spermatozoa and ovum respectively. Therefore, it follows that so result is that the spermatozoa spermatozoon and ovum carry the heredity traits. कि मेंडल्स वाज फेल बट आफ्टर द क्रोमोसोम डिस्कवरी वी कैन से दैट स्पर्मेटोजो एंड ओवम कैरी द हेरिडिटी ट्रेट्स कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में स्पर्मेटोजोम और ओवम के थ्रू ट्रांसफॉर्म होते हैं. नेक्स्ट थेट इज दैट स्पर्मेटोजोम only participate nucleus. So we can say that heredity characters only present in nucleus. And we know nucleus contains chromosomes and the chromosomes carry the traits. This is the third postulate. Next, Sutton suggested that gene
The genes are the physical hereditary unit that are located on chromosomes. So, first, the genes are suggested by Sutton as a physical unit of heredity. And next is that during the gametogenesis, each gamete receives only one gene. From the pair, कि जो पेयर है जीन का उसमें सिर्फ एक ही टाइप की जीन आएगी एंड वन जीन फॉर ट्रेट, कि किसी भी ट्रेट के लिए जो गैमेट्स है वो सिर्फ एक ही जीन को रिसीव करेगा, आइदर इज डोमिनेंट और आइदर इज रिसेसिव. So this is about the chromosomal theory of inheritance. Another scientist, that is T.H. Morgan, further studied on the fruit fly. That's biological name is Drosophila. Melanogaster. After the study of Melanogaster, he found that basis of for the variation. कि उन्होंने जो ड्रोसोफिला के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए दैट आर फॉर वेरिएशंस, कि जो चेंजेस आते हैं, कि जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो चेंज आते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस कैरेक्टर्स. ही सेलेक्ट द ड्रोसोफिला बिकॉज लाइफ साइकिल इज शॉर्ट, अबाउट 2 weeks. Produce large amount of eggs, so easily identify. The male and female can easily identify by the size. Male is small and female is large. So, T.H. Morgan further, with the help of fruit fly, given the postulates or the variations that leads into linkage and recombination. These are the two terms. Linkage means the binding, a link between the adjacent chromosomes, जो genes हैं उनके बीच में एक link, a bridge, one formation of a bridge, a link that results into a new character. Recombination means the genes are recombined to each other, generation of the non-parental gene combination, कि इसमें जो होगा नॉन पैरेंटल जीन्स को रिकम्बाइन किया जाएगा. तो दीज आर द फर्दर स्टडीज आर
possible with the help of fruit fly by T.H. Morgan. He called variations, and this is leads into the linkage and recombination. In next chapter, we will discuss about the linkage and recombination and some other techniques or some other terms which is used in the variation. Like we have already discussed codominance and incomplete dominance. Next we discuss about some like supplementary genes, complementary genes, and again a example of multiple allelism. In previous lecture we have discussed about multiple alleles in the human blood. So next lecture we discuss about the linkage and recombination.